अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदर मुनीर चौधरी बीएमसी लाइव लेकर हाजिर खिदमत है। एक तंजीम बनी आईएम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, जिसने बहुत ही कम अरसे में पूरी दुनिया में अपनी ब्रांचेस बनाई। डैम के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द किए और पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार को मेहमान खसूसी के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी करवाया। इस दौरान पाकिस्तान के डैम के लिए बहुत पाकिस्तानी, वो जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने दिल खोल कर अतियात दिए। इन अतियात का क्या बना? आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट इस वक्त किस मुकाम पर खड़ी है? कुछ सवालात भी पैदा हुए। आज मुझे खुशी है कि आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की दो बड़ी शख्सियात हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैं कहूँगा आज कटहरे में हैं। आपके दिल दिमाग में जो सवालात आए एज मीडिया पर्सन, मुझे भी कई खदशात, कई कंसर्न आए। हम कोशिश करेंगे वो तमाम सवालात का जवाब हासिल करें, ताकि मालूम हो कि आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बनने का मकसद क्या था, इस वक्त वो क्या कर रही है, और जो डोनेशंस हैं उनका क्या हो रहा है, और डैम के हवाले से जो है वो आगे पेशरफ्त क्या है। जनाब अहमद सैयद साहब जो फाउंडर चेयरमैन हैं आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के, और साथ वाजिद मलिक साहब जो टोरंटो के प्रेसिडेंट हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया, काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस दौरान काफी कम्युनिकेशन गैप भी रहा, कुछ सवालात भी आए, आपसे डायरेक्ट बात भी होती रही, और वाजिद मलिक साहब से तो हमेशा हमारी दोस्ताना गुफ्तगू जो है वो होती रहती है। मैं दोनों दोस्तों को, दोनों मेहमानों को हमारे टोरंटो स्टूडियोज में वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सही साहब, क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, क्या मसरूखियात है? बस यही है, आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है ये ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे, और बेसिकली एक साल और कुछ माह हुए हैं इसको बन के, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएसए, यूके से लेके कोरिया, जापान से लेके रशिया, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवेयर इसके चैप्टर बने हैं, और बहुत ही पैट्रियाटिक टाइप के और सेंसिबल और रीजनेबल लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट्स हैं इन जगहों के, और बड़े नमाजी परहेजगार पैट्रियाटिक टाइप के जो लोग हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, काफी सवालात भी हैं, कई चीजें हैं, पूरी दुनिया में आपके इवेंट्स भी हुए, टोरंटो में बहुत अच्छा इवेंट होगा। कुछ एक खास ग्रुप होता है जो सवालात भी उठाता है, या ये पैसा, जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा सवालात तो आएंगे। सबसे पहले हम ये आपसे पूछ लेते हैं कि ये तंजीम कब बनी और इसका खास मकसद क्या था, क्या दिल दिमाग में आया कि यार एक ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए, डैम के लिए, या पाकिस्तान को जब भी जरूरत हो तो ये आगे आए, तो वो कौन सा लम्हा था आपके लिए? ये जी इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे माशाल्लाह लीडर हैं, और काफी अरसे से उनके साथ काम करने का ताल्लुक भी रहा है। तो वो टीवी पे आए एक दिन, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आया एड के जी पाकिस्तान में पानी की शदीद शॉर्टेज होने वाली है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं इस बारे में, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। फिर खान साहब आए, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाकायदा मुखातिब करके कहा कि अपनी स्पीच में कि ओवरसीज पाकिस्तानी आके मदद करें मेरी, क्योंकि मेरी उनसे कई दफा मुलाकात हो चुकी है उनके घर में भी। तो मैं अपने बिजनेस में बैठा था, मैंने कहा किस तरीके से ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग टू मी। सही। तो मैं वॉक करता हुआ पार्लियामेंट हिल चला गया, करीबी है मैं उसके, ऑटवा में, ऑटवा में कनाडा में। तो वहां पे मैं खड़ा होकर सोच रहा था, तो मेरा बेटा मेरे साथ था, उसने पूछा आप क्या करना चाह रहे हैं? मैंने कहा यही समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह करना है, अब पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि मेरी वीडियो बनाए आप, एक मिनट की वीडियो, एक मैसेज रिकॉर्ड। हाँ जी, मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड किया कि जी खान साहब, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको आवाज दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने कभी ऐसे मामलात में पहले
कोई रोल अदा नहीं किया, मतलब बिल्डिंग ए डैम, बिल्डिंग ए ब्रिजेस, रेलवे लाइन, इसका तो कभी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक ही नहीं था। अब जब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कह रही है, इस इम्पोर्टेंट, तो मैंने वो मैसेज रिकॉर्ड किया और मैंने अपने फेसबुक पे ऑन किया और हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 मंथ ये जंगल की आग की तरह फैली और हर आदमी इसको ज्वाइन करना चाहता था बहुत ही जज्बे के साथ। अच्छा, मेरा बचपन गुजरा थरपारकर में, मेरे वाली साहब डॉक्टर थे, तो बहुत कराची से थरपारकर जाना उस जमाने में 4 दिन लगते थे, ऊंटों पे बैठ के जाना पड़ता था। अच्छा, वहां पानी नहीं होता, तो वहां कुएं से पानी निकालते और 20 मिनट तक रस्सी खींचे तो पानी निकलता है, तो मुझे अंदाजा था कि पानी की किल्लत क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आई फिगर इट आउट, मैंने कहा खुदा ना खास्ता थरपार की तरह पूरे पाकिस्तान में अगर हो जाता है तो वो फिर रिवर्स नहीं हो सकेगा। तो ये सोच के अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग ज्वाइन होते गए और अल्लाह ताला ने उसमें काफी बरकत दी। गुफ्तगू में शामिल करते हैं वाजिद मलिक साहब को भी और उसके बाद काफी सवालात का अंबार है, आज तो आप फंस गए हैं आज। कोई बात नहीं। अच्छा मलिक साहब, आप क्यों शामिल हुए आई एम पाकिस्तान बर्ड बर्ड मूवमेंट में, कब उन्होंने रब्ता किया, क्या हुआ? और चूंकि आप खुद एक मसरूफ आदमी हैं और ये एक नई मसरूफियत क्यों अपने लिए आपने अपने सर पे ली थी? लेकिन थैंक यू बदर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमें आपने इज्जत बख्शी। इसका पीछे सैयद साहब ने और बाजवा साहब वैंकूवर से, उन्होंने लियाकत बाजवा साहब ने फोन किया कि हम ये करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और आपको पता है हमेशा जब पाकिस्तान की नाम भी आ जाता है तो हमारा खून में जज्बा आ जाता है और हम जज्बाती लोग हैं और पाकिस्तान दियारे गैर में बैठे हुए हमेशा अपनी पाकिस्तान को माँ की तरजीह दी है और माँ के लिए कुछ भी करने की सलाहियत हम में दूसरों से ज्यादा है। तो जब ये माँ के लिए कुछ करने का मौका आया तो हमने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जो भी हो सका वो करेंगे और जिस अंदाज में भी हो सका, अल्हम्दुलिल्लाह जिन मुश्किलात में भी जो कुछ भी हम कर सकते हैं, फिनेंशियली भी और अपना टाइम भी लगा के, अपना टाइम भी लगा के और जो कुछ हम कर सकते हैं उस वतन के लिए जहाँ जिसने हमें पैदा किया, जहाँ से हम आए, तो उसके लिए हम करेंगे। तो फिर आप सबसे पहले ये पाकिस्तान से आपने इस मूवमेंट को फिर ज्वाइन किया, इन्होंने मुझे ऑफर की, फिर हमने एक टीम बनाई जिसमें फिर हमने ये तरतीब दिया और यहाँ ऑर्गेनाइज की। बिल्कुल सही। अच्छा सही सर, ये बताएं कि आपने एक बना लिया, फिर मैं उस ग्रुप में भी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ, मैसेज आते रहते हैं, पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस बन गई, लोग बहुत ज्यादा, एक जो जज्बा था जैसे मलिक साहब ने कहा कि हुब्बुल वतन नी का एक जो जज्बा है, जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं वो उस ग्रुप में आ गए। ठीक, मुश्किल भी हुई आपको? देखिए इसमें जैसे आपने इब्तिदा में फरमाया कि जहां पैसे का मामला होता है तो वहां पे बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं। हमने पहले दिन से वाजिद भाई और जितने हमारे प्रेसिडेंट थे, हमने मिलकर यह फैसला किया था कि हम पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, वी विल नॉट टच द मनी, और ये हम खाली प्रमोट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रॉपर अकाउंट है और उसमें अब इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, वो दोनों ज्वाइन हो गए अकाउंट, पैसे उसमें जाएंगे, हम लोग पैसे को टच नहीं करेंगे। तो हम लोगों को मोटिवेट करते थे। अब उसमें यह हुआ कि एक खातून का फोन आया, बहुत ही पेट्रियाटिक टाइप की और ओल्ड वुमेन थी, उन्होंने कहा कि मैं $100 भेजना चाहती हूँ और टीडी कैनेडा ट्रस्ट में मैं खड़ी हूँ, ये $40 मुझसे फीस मांग रहे हैं, तो मैं तो $100 पूरे भेजना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप अभी घर वापस चली जाए, विल टॉक टू यू लेटर। आई कॉन्टेक्टेड हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिला। उन्होंने क्या किया, कनाडा में बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में एक अकाउंट खोल दिया हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, डैम फंड, तो लोग उसमें पैसे जमा कराते हैं और हर 15 दिन में वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले जाते हैं। हैविंग सेड दैट, तो इसमें हमारा कोई डैम के पैसे से ताल्लुक नहीं, यानी कि कोई आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को पैसे, नहीं कोई अकाउंट नहीं, वी डोंट हैव नो अकाउंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, लेकिन जो अलग अलग इवेंट्स हुए आपके पूरी दुनिया में, टोरंटो में भी हुआ, तो उसका कोई अकाउंट अलग था? नहीं, वो इस तरीके से था जैसे के 8वां में इवेंट है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो 8वां में कुछ समझना चाह रहा हूँ, कुछ लोग भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद गालबन आपका कोई तफसीली इंटरव्यू इस हवाले से नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और मुख्तलिफ रेडियोज पे तो जाते रहे, लेकिन कई सवाल सामने आए कि यार ये पैसे
कैसे आए कैसे गए, लोग थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाह रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करूं, देखें हमारे जहां जहां इवेंट हुए वहां पे पूरी बॉडी मौजूद होती है। अच्छा, ये वर्क किस तरह करता है, पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, जैसे कनाडा का एक प्रेसिडेंट है, उसका एक वाइस प्रेसिडेंट है उसके साथ, और फिर उसके पास 10 बोर्ड मेंबर है, फिर ये ओंटेरियो में आ जाता है स्टेट में, उसके बाद सिटी में आ जाता है, फिर सिटी का अपना प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, सिटी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है इवेंट करना अपनी पूरी टीम के साथ, अगर वो इवेंट कर लेते तो फाइन, फिर ऑन्टेरियो उनकी हेल्प करता है, वो भी नहीं हो पाता तो फिर कैनेडा उनकी हेल्प करता है। थ्री लेयर्स है, ये चेक एंड बैलेंस की भी थ्री लेयर्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे वाजी साहब और एक्सप्लेन करें, अलग करूंगा, आप ऑटवा की बात कर दें, कैसे हुआ ऑटवा में, क्या हुआ ऑटवा में, ऐसे हुआ कि ऑटवा में हमने किया पार्लियामेंट हेल में प्रोग्राम, वहां हम टिकट बेच नहीं सकते, ठीक है, मतलब वहां पे हम खाली लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है सर। तो अब उसमें हमने ये किया कि उसमें हाल वो किराया भी होता है उसका, और वो तकरीबन कोई 40,000 का खर्चा होता है, तो हम वो हाल में भी कर सकते थे, मगर फिर वो पार्लियामेंट की वो जो वैल्यू होती है वो चली जाती है। हम चाहते थे गोरे भी इन्वॉल्व हो, कैनेडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, पार्लियामेंट हिल पे हो, तो थोड़ा पाकिस्तान की भी इज्जत हो और थोड़ा कैनेडियन गवर्नमेंट को ही पता चले कि कितनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान पे आने वाली है। तो उसमें ये क्या आई, मैंने उस टैग को पिक किया कि आई विल पे आउट फ्रॉम माई पॉकेट, ठीक है। एंड हमने मतलब खाने वाने के पैसे भी कुछ एक आधा दोस्त मिल गए, किसी ने होटल का किराया दे दिया, किसी ने खाने के पैसे दे दिए, किसी ने हाल के पैसे दे दिए, तो वी डिड नॉट चार्ज ए सिंगल पेनी इन ऑटवा, एवरीबॉडी वाज इनवाइटेड एज माय गेस्ट। अच्छा, यानी कि लोगों से आपने पैसे इकट्ठे नहीं किए, उनके खराजा कोई पैसे इकट्ठे नहीं किए, हम दो तीन दोस्त मिल गए, किसी ने थोड़ा होटल का कर दिया, किसी ने इसका कर दिया, लोगों को बुला लिया आपने और वहां पे उनको बिठा के अवेयरनेस। ठीक है। अच्छा, अब मॉन्ट्रियल में जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने एक होटल बुक कराया, अच्छा क्राउन प्लाजा होटल, और वहां पे उन्होंने $50-$100 का टिकट बेचा। अच्छा, वो टिकट जो है फर्स्ट करें $50 का टिकट है, तो कोई $35 तो उस होटल का किराया था वेन्यू पर पर्सन, $15 का खाना था, तो आपके $50 बराबर हो गए। ठीक है सर। अब वहां पे हमने अवेयरनेस दी लोगों को कि भाई इस तरीके से चीफ जस्टिस साहब आए हुए हैं और आप लोग हेल्प कीजिए, तो डोनेशन लोगों डोनेशन ने भी। अब वो डोनेशन कैसे हुई कि वहां पे बैंक मौजूद था, बैंक हल अभी, और वहां पे हाई कमिश्नर के बाकायदा स्टॉल लगा हुआ था। अब मैंने पैसे देने तो मैं पहले जाके बैंक में पैसे दूंगा, वो हमको रसीद देंगे, वो हम रजिस्टर्ड करा देंगे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों के पास, फिर हमारे लोग भी वहां पे बैठ के लिख रहे हैं मॉन्ट्रियल वाले, तो थ्री लेयर्स हैं। अब उसको चेक कौन कर रहा है, एक तो सेनेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैसल जावेद, वो पहले जाके चेक करते थे कि एवरीथिंग इज फाइन, फिर पीटीआई की तरफ से फिर दो आशिक अवान साहिबा मौजूद थी, फिर वो चेक करती थी जाके, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो भी चेक करते थे, फिर आईएम पाकिस्तान उसको चेक करता था कि ये जो पैसे आए फर्ज करे 50,000 लाख 2 लाख जो भी जमा हुए वो किस अकाउंट में गए, वो किस अकाउंट में गए, वो गए हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, जो कि मॉन्ट्रियल में भी हर जगह हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट इस्तेमाल हुआ। आपने डायरेक्ट पैसे नहीं लिए? नो, कैश कोई आया? हाँ, कैश सख्ती से मना था, कैश सख्ती से मना था, मगर एक आध जगहों पे कोई बूढ़ी खवातीन थी वो कुछ कैश लाई, तो वहां हमारे जैसे या वाजिद भाई जैसे कोई लोग मौजूद थे, उन्होंने वो $200 लेके $200 का चेक दे दिया। यानी कि तो वो उस अमाउंट का भी वो हाई कमीशन का जो अकाउंट था उसके अंदर वो उसके अंदर गए, और कैश वैश कुछ हम लोगों ने नहीं लिया। अच्छा। इज आर चेक क्रेडिट कार्ड एवरीथिंग डन थ्रू द बैंक टू द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड देन दैट मनी वेंट टू पाकिस्तान एंड वी चेक्ड। सही है। सबसे बड़ा फंक्शन टोरंटो में हुआ था उस दौरान चीफ जस्टिस जी। सही है। तो सर वो क्या था, कैसे पैसे इकट्ठे किए, क्या हिसाब हुआ? टोरंटो में जो फंक्शन हुआ उसकी तफसील कुछ इस तरह है बदर भाई, कि हमने उसका जो मेन वेन्यू का खर्चा पूरा करने के लिए ना उसकी टिकट लगाई थी $50 ईच, उसमें डिनर इंक्लूड था, ऑल जो हॉल के अखराजात मौजूद थे, म्यूजिक जितने भी लवाजमात थे उसमें वो सब इंक्लूड थे। वो हमने जाती तौर पे लोगों से अपने पर्सनल रिलेशन के तौर पे टिकटें बेची और उसके पैसे लिए और पूरा किया, जिसमें वीडियोग्राफी ऑल दोस्त एवरीथिंग, और हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जो कि वो भी उधर मौजूद थी। यानी कि ये अखराजात थे, ये अलहदा थे $50 टिकट $50 का लगाया, और कितने टोटल कितने लोग थे? अराउंड 1200 लोग, 1200 लोग थे, और वो जो पैसे इकट्ठे हुए वो अखराजात बराबर हो गए, कम हो गए, नुकसान हुआ, फायदा हुआ? उसमें ऑलमोस्ट 3200 समथिंग बचे थे। अच्छा। जो कि बाद में डैम फंड में हमने वो पैसे जमा करा के उसकी रिसीट भी अपनी फेसबुक पेज पे
आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड का जो फेसबुक पेज है टोरंटो का उधर भी लगा दिया और अपने सारे अखराजात जो है वो आपकी वेबसाइट पे मौजूद है मौजूद है कितने खर्चे हुए लेकिन डोनेशन जितनी भी आई वहाँ वो डायरेक्ट हबीब कैनेडियन बैंक की पूरी ब्रांच बैठी थी वहाँ उन्होंने वसूल की। हालांकि वहाँ आपको पता है टोरंटो में लॉट ऑफ मेरे टैक्सी ड्राइवर भाई जो के पास कैश होता है वो कैश डोनेशन देना चाहते थे लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और हमने सख्ती से मना किया था कि हम कोई सिंगल पैसा कैश डोनेशन नहीं लेंगे 100% चेक या क्रेडिट कार्ड से लेंगे। वो गए टिकटें जरूर हमने बेची लेकिन वो सारे पैसे पूरे करके जो 3200 कुछ डॉलर बचे थे वो डैम फंड में जमा करा दिए गए हैं ऑलरेडी। सही। अच्छा कुछ सवालात भी आए कि जी जहां पे सही सा पैसा मामला होगा वहां पे कोई ना कोई सवालात आते हैं यार ये पैसे खा गए हैं कुछ अपना कर लिया ये हो गया वो हो गया तो उसमें फिर सही साहब आपने क्या लोगों को क्या जवाब देते हैं जो कहते हैं कि यार ये तो पैसे इकट्ठे करने के लिए सारा काम हुआ है। देखें जी इसमें मैं अर्ज करूं मैं खुद बिजनेसमैन हूं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े खाते पीते लोग थे और पैसे जमा हुए कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख और वो सारे हबीब बैंक में गए और हम उसको देख रहे थे जैसे हमारी वैंकूवर की बाकायदा ऑडिट हुई रिपोर्ट एडमिंटन की ऑडिट हुई रिपोर्ट कैलगरी की ऑडिटेड रिपोर्ट्स हुई और वो पैसे गए। फिर हमने हाई कमीशन में फोन करके भी चेक किया उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट भेजे कि इतने पैसे आज गए इतने पैसे आज गए तो ट्रैक एक एक पैसे का आया जो डोनेशन हुए ठीक है। जैसे इन्होंने बताया 3200 इनके पास बचे। मॉन्ट्रियल में जब हमने फंक्शन किया तो वहां पे मुझे कुछ ऐसा याद है कि $35 पर पर्सन था और खाना कोई $15 था। तो जब तकरीर उन्होंने की चीफ जस्टिस साहब ने तो जो केटरर था उसने कहा मैं खाने के पैसे नहीं लेता। मेरा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का नाम जहां भी आएगा ना जी बड़े जज्बाती लोग हैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं बिल्कुल। तो वो खाने के जो उन्होंने पैसे नहीं लिए तो वो चेक डिपॉजिटेड हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली वो तो चेक हैंडेड ओवर करके उन्होंने रसीद दी। इसमें मैं आपको एक बात ये बताना पसंद करूंगा इतना सख्त हमारा इसके ऊपर वो था कि 1 रुपया कैश नहीं ले सकता कोई ठीक है 1 रुपया। तो वहां पे कोई खातून आई ये टोरंटो के जलसे में और उन्होंने अपनी बच्ची की कोई चेन थी कोई बच्ची थी छोटी 1 साल की सोने के चेन वो उन्होंने कहा कि जी मैं ये डोनेशन देते हैं। अब वो मुझे अजीब सा लगा कि ये सोने की चेन हम कहां बेचेंगे फिर उसके पैसे आएंगे कैसे डिपॉजिट होंगे। तो हमारे जो चेयरमैन हैं टोरंटो चैप्टर के मैंने कहा ये चेन मैं खरीद लेता हूं तो मैंने $1000 की वो चेन खरीद ली और मैंने वो उनको पैसे दिए अपना शेख साहब को कि आप ये प्लीज डिपॉजिट करा दे आरिफ शेख साहब को। उन्होंने कहा नो आई विल नॉट टच द मनी। मैंने कहा ऐसे चेयरमैन आई एम टेलिंग यू। उसने कहा जी चेयरमैन हो दैट्स फाइन विद ड्यू रिस्पेक्ट वी टोल्ड नॉट टू टच द मनी बाय यू। आपने ये कहा था कि कोई पैसे को कैश को हाथ ही नहीं लगा सकता बिल्कुल ही नेवर टच्ड इट। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे है कि पर्सनली आप इसको जमा करा के मुझे रसीद दे देंगे। उन्होंने कहा ये मैं कर दूंगा तो उन्होंने $1000 जमा कराए डैम फंड में और मुझे रसीद भेजी। इतना सख्त निजाम बनाया हुआ था। चले जी कुछ और सवाल आते हैं कमर्शियल वक्फा है और ये भी आपसे पूछना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की टिकट के पैसे किसने दिए। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा काफी सवालात हैं आज का प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है आपको भी अच्छा लगेगा। जब प्रोग्राम हम खत्म करेंगे तो किसी ना किसी कंक्लूजन पे किसी नतीजे पे जरूर पहुंचेंगे। की वॉचिंग कैनेडा 1 कमर्शियल वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है।